नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन भारती। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि कभी हैंडपंप का मैकेनिक था, लेकिन अब वह फूलों का राजा बन गया है। कहते हैं कोई इंसान किसी कार्य की शुरुआत करता है तो वह अपने कार्य को लगभग आधा पूरा कर लिया होता है, क्योंकि कार्य के प्रति आगे बढ़ना ही उसकी पहली जीत होती है। ऐसे में अब ग्रामीण क्षेत्र के कई युवा हैं जो अब पढ़ाई लिखाई के बाद व्यापार की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। कई युवा तो ऐसे हैं जो कि मोटी रकम की नौकरी छोड़कर गांव में अपना व्यापार शुरू कर दिया है। ऐसे में आज हम एक ऐसे ही युवा के बारे में जानेंगे जो कि सीतामढ़ी जिले के रीगा प्रखंड के भवदेवपुर के रहने वाले हैं। उनका नाम है राजेश कुमार माली। वह अपने व्यापार के साथ अपनी कमाई का एक दूसरा रास्ता अपनाया है। अब वे 40 से 45 अन्य परिवार को भी रोजगार देने की स्थिति में आ गए हैं। अपने व्यापार को लेकर राजेश बताते हैं कि 10 साल से फूलों की खेती करते आ रहे हैं। इससे पहले गांव में ही हैंडपंप मैकेनिक का काम करते थे, लेकिन उनसे परिवार का भरण पोषण अच्छे से नहीं हो पा रहा था। बच्चों को अच्छे से शिक्षा भी नहीं दे पा रहे थे। कहा कि अपने दोस्तों के साथ बंगाल घूमने गए थे। वहां वो कुछ काम की तलाश के लिए उस दौरान वो बंगाल गए थे। इसी दौरान बंगाल में फूलों की खेती देख उनको प्रेरणा जगी। वापस आकर पहले 3 से 4 कट्ठे में गेंदा और चेरी की खेती शुरू की। जैसे जैसे आमदनी बढ़ी, वैसे वैसे खेती भी बढ़ाई। आज 240 कट्ठे यानी कि 12 बीघे में खेती हो रही है। वर्तमान में 100 कट्ठे में फूल लगा हुआ है, बाकी 140 में लगाने की योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 2 सालों से कोरोना की मार झेल रहे थे, फिर भी मजदूरों को वेतन दे रहे थे, थोड़ा कम, लेकिन घर में बैठे बैठे तो हम ये काम कर ही रहे थे। लेकिन आज फिर से हालात सही हो गए हैं, फूलों की बिक्री बढ़ गई है। राजेश ने बताया कि फूलों की खेती से सालाना 12 लाख रुपये तक की कमाई हो जाती है। आजकल युवाओं की सोच में और काम करने के तरीकों में बदलाव आने लगा है। एक समय था जब युवा सरकारी नौकरी और मोटी कमाई के पीछे पीछे भागते थे, लेकिन अब युवा में सोच में बदलाव आया है। साथ ही साथ खुद रोजगार करें और दूसरों को अपने रोजगार के साथ कैसे जोड़ सके, उनको कैसे काम दे सके, इन पर लेकर भी वो बात करने लगे हैं। इसी कड़ी में हमने आज संतोष को देखा। बिहार में कई ऐसे युवा हैं जो कि मोटी कमाई की नौकरी छोड़कर मछली पालन का कार्य कर रहे हैं, कुक्कुट उत्पादन का काम कर रहे हैं। यह आज की युवा पीढ़ी के लिए यह एक अच्छी खबर है और इस खबर से हमें सीखने की ज़रूरत है कि कैसे हम अपने आप को मोटिवेट करें और दूसरों से प्रेरित होकर कुछ अच्छे कार्य करें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।